नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप IAS में। CGPSC का अभी अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, और जितने भी एक्सपेक्ट हैं हम कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरी एक्यूरेसी के साथ जो है कट ऑफ दें। मगर अगर फिर भी कहीं पर गलती हो तो कृपया कमेंट करके हमें बता दें कि कहीं पर हमारी गलती है हुई है। तो दोस्तों, ये जो है ये पूरा हमारे करीब करीब 120 सेंटर्स में हमने सर्वे किया है। 120 सेंटर्स में जो छात्रों की जो प्रमुख बातें थी, और जो हमारे प्रीवियस जो स्टूडेंट्स थे जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके अनुमान के आधार पर एक मोटा मोटा कट ऑफ बता रहे हैं। तो ये भिन्न भी कर सकता है और लोगों से, तो आप लोग जो है बताएं ज़रूर, अगर कहीं पे वो हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो शुरुआत करें तो हम आपको बता दें कि जितने भी छात्र जो हैं कोचिंग नहीं जा सकते हैं और घर से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। किसके लिए? UPSC प्रीलिम्स की जो है टेस्ट सीरीज, इसमें हम लोग जो भी फ्री होंगे, मतलब जो भी छात्र चयनित होंगे, उनको फ्री में देंगे। तो ये शून्या टीम के साथ हमारा एक इनिशिएटिव है, तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस कूपन कोड को डालकर आप स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये स्कॉलरशिप बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब ये पहले तीन जो लोग जुड़ेंगे उन्हीं के लिए थी। पहले इसका डेट जो था वो 8 तारीख तक था, मगर अब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है आगे, और जो है उसको जो भी छात्र देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो अभी देखिए, आप छत्तीसगढ़ PSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और यहाँ पे देखिए रजनीकांत यदू जी का आपको मैसेज दिख रहा होगा, जो कि हमारे ही ग्रुप से क्वालिफाई किए हैं। तो हम बता दें कि हमारा फ्री इनिशिएटिव चलता है व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें हम फ्री में छात्रों को जो है सभी मटेरियल छत्तीसगढ़ PSC और अन्य PSC से रिलेटेड जो है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये देखिए, ये हमारे ही आप IAS ग्रुप से निकले हुए हैं छत्तीसगढ़ PSC में, इनकी रैंक आई है 113, इनका नाम है रजनीकांत यदू। आप चेक कर सकते हैं, आपको चाहे तो मैं इनके जो है मार्कशीट आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो दे दूंगा। तो जिनको भी जुड़ना है हमारे ग्रुप से तो वो डायल कर सकते हैं 9994943600, और हमारे ग्रुप से तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि फ्री इनिशिएटिव है, कोई पैसा नहीं देना है। और व्हाट्सएप पर कोई भी पेड ग्रुप की तरह हमारा ग्रुप नहीं है, क्योंकि सभी लोग सेलेक्टेड इस आप IAS को चला रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो देखिए, कट ऑफ पे सीधे सीधे आ जाते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कट ऑफ जो है उनको निर्धारित करते हैं, जो कि है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, डिफ़िकल्टी लेवल, और कितने छात्र जो हैं वो अपीयर हुए। तो दोस्तों, अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी भी इस बार जो है छत्तीसगढ़ PSC की ठीक ठाक थी, वहीं डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए कि क्योंकि जो है क्वेश्चन जो थे, कुछ क्वेश्चन जो थे काफ़ी हद तक अच्छे थे, जैसे सेंसस वाले क्वेश्चन थे, और छत्तीसगढ़ की जो करंट GK वाले जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी जो है हद तक जो है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आए थे और टिपिकल हो गए थे, जो स्टेट के थे उनके लिए भी और जो स्टेट के नहीं थे उनके लिए भी। तो दोस्तों, आगे देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर। देखिए, करीब करीब 8 से लेकर 10 लाख स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में जो है वो अपीयर होने की जो है बात अभी तक कही जा रही है। जो एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है वो तो मतलब पूरा फाइनल क्राइटेरिया जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा, मगर ये अनुमानित माना जा रहा है कि 8 से 10 लाख बच्चे जो हैं बैठे जाएंगे। मगर मैं ये कहता हूँ कि इसको 4 से 5 लाख तो मानिए ही मानिए, तो मतलब कुल मिलाकर जो है बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी। तो आइए अब देखिए, इसमें कट ऑफ की जो बात करते हैं, कट ऑफ जो है दो तरह की कट ऑफ है, एक तो क्वालिफाइंग कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ है, और छत्तीसगढ़ PSC की क्वालिफाइंग कट ऑफ है। तो देखिए, जैसा कि छत्तीसगढ़ की नोटिफिकेशन में लिखा है, आपको मिनिमम जो है 33% मार्क्स जो है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लाने ही लाने हैं, वहीं जब आपको जो है 23% लाने हैं किसमें, जब आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। तो अगर आप 23% और 33%, अब ये देखिए ये छोटा सा भ्रम है लोगों के मन में कि 23% में जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं ना, रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे, जी नहीं। देखिए, ये जो है मिनिमम है जो कि छत्तीसगढ़ PSC द्वारा जो है वो एक क्राइटेरिया रखा गया है, वहीं 33% जनरल के लिए मिनिमम है। अब जो मैक्सिमम आपकी कट ऑफ होगी वो किन फैक्टर्स पर डिटरमाइन करेगी, वो इन फैक्टर्स पर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्ज़ाम, इस पे डिपेंड करेगी। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ PSC का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसमें कट ऑफ जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो इस पे डिपेंड करेगी कि आपने कितने नंबर स्कोर किए आउट ऑफ 200 मार्क्स। तो मैंने जैसा आपको बताया कि 33% आपको लाने ही लाने हैं, उसके ऊपर जो है वो आपको लाने पड़ सकते हैं, जैसे 60% एक मिनिमम स्कोर हो सकता है, 55% एक मिनिमम स्कोर हो सकता है, 33% के बाद जो है आपका 39% एक मिनिमम स्कोर हो सकता है। तो इस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ PSC में जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में मेंस में लाने का क्राइटेरिया कैसे क्या होगा, जो 15 टाइम वैकेंसी का नंबर है, तो यानी कि जो है जितनी वैकेंसी आई है उसका 15 टाइम जो है आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो है आपकी पूरा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आ जाएगा।
तो आज की कट ऑफ की बात कर लेते हैं सीजीपीएससी 2020 की। अगर जनरल की बात करें तो मेरे हिसाब से जो है 123 से 128 कट ऑफ जा सकता है, यानी कि 60 से लेके 61 जो है, अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मेंस की तैयारी में जुट जाइए। मेंस की तैयारी कैसे करनी है वो भी आगे बताऊँगा। अब आपकी ओबीसी है तो ओबीसी की मेरे हिसाब से 121 से लेके 126 जाएगी, यानी कि आप जो है 59 क्वेश्चन से लेके आपके जब 59 क्वेश्चन से लेके आपके जब 61 क्वेश्चन अगर सही हैं तो आप भी तैयारी में जुट जाइए। वहीं जो है आपकी 103 से 107 अगर एससी से हैं, यानी कि आपके 50 से लेके 52 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप जुट जाइए तैयारी में। वहीं जो है एसटी की अगर हम बात करें 90 से लेके 92 से लेके 97 तक अगर आपके क्वेश्चन सही है, यानी कि 45 45 से लेके 50 तक अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। अगर आप फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे गलती से 1112 हो गया है, तो इसको 112 से लेके 117 मानिए, यानी कि आपको जो है करीब करीब 50 से लेके 51 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। वहीं अगर आप डिसेबिलिटी हैं, इसमें भी PWD1 PWD2 PWD3 ऐसे करके कैटेगरी डिवाइडेड है, तो एक मिनिमम मान लीजिए कि 99 से लेके 104 आपकी कट ऑफ रहेगी, यानी कि क्या रहेगी आपको जो है 50 से लेके 52 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप जो है आपको मानिए कि आप जो है क्वालिफाई कर रहे हैं एग्जाम। वहीं फीमेल की जब हम बात करते हैं 119 से लेके 124 अपनी कट ऑफ मानिए। 119 का मतलब आपका ये हो गया कि आपको 52 क्वेश्चन लगभग लगभग आपको सही करने हैं। तो दोस्तों यही थी फाइनल कट ऑफ। अब देखिए एक कुछ एक डाउट्स हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर किसी का कट ऑफ लग गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कहीं पे अगर कुछ आपको डाउट हो तो मैं पूरे पूरे डाउट्स जो है आपके क्लियर कर दूंगा। हमारी टीम पूरी लगातार लगी हुई है, अभी एनालिसिस चल रहा है पेपर का, आगे मैं अगली वीडियो में पेपर का एनालिसिस कर दूंगा। तो मतलब सबसे सटीक कट ऑफ यही है मेरे हिसाब से, और ऊपर मैं जो है आई बटन में आपको जो है वो दे दे रहा हूँ कि कितनी कट ऑफ रही है एक्सपेक्टेड, उसके आधार पर भी एक सर्वे हो जाएगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो 2020 की जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा वो बेस्ड होगा लगभग लगभग दिसंबर 2020 में आपका रिजल्ट आएगा, और फाइनल सिलेक्शन जो है वो किसके बेस पे होगा, वो इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स पे होगा, ये प्री के मार्क्स पे नहीं होगा। प्री प्योरली जैसे कि GS1 जो है कहीं कहीं पर, जैसे कि हमारा GS1 क्या करता है, यहाँ मेरिट बनाता है, मगर वहाँ पे क्या होगा आपका जो है UPSC के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, CGPSC में प्री जो है पूरी तरीके से जो है क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि डेली मेंस आंसर राइटिंग, जो भी छात्र को लग रहा है कि अब आप जो है क्वालिफाइंग स्थिति में आ चुके हैं, तो हमारा डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव एक चल रहा है जिसमें फ्री इवेल्यूएशन हम लोग करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं हमारी एक पूरी एक्सपर्ट की फैकल्टी की टीम है, जैसे मैंने रजनीकांत यदू जी को दिखाया, वो भी हमारी टीम के अब एक सदस्य हैं, हमारे ग्रुप से निकले थे, और तो आज वो भी हमें जो है सहयोग करते हैं कि क्या क्या कंटेंट बेस्ट कंटेंट जो है छात्रों को दिया जाए। तो आप लोग जुड़ जाइए डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव से, हमारे जो है वीडियोज़ की अपडेट्स पाने के लिए आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे आपको हर लेक्चर की जो है पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। प्रीलिम्स का जो है हम क्रैश कोर्स ला रहे हैं अपने चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। टेस्ट सीरीज हमने शून्य टीम के साथ जो है आपके लोगों के लिए लॉन्च कर दी है। तो दोस्तों कुल मिला के हम जो है फ्री में, हमारा गोल क्या है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, और हम चाहते हैं कि आप लोगों को फ्री एजुकेशन मिले। और अगर आपको कोई भी डाउट रहे हो छत्तीसगढ़ पीएससी से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। एफएक्यू की रिलेटेड एक वीडियो मैं अगली ला रहा हूँ, तो उसमें सभी जो एफएक्यूज़ हैं सीजीपीएससी से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन हैं छात्रों के मन में, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ को, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप जुड़ सकते हैं, और मेन आंसर राइटिंग इनिशिएटिव मैं बोलूँगा कि मार्केट में इसके लिए आप 10-10 20-20 हज़ार मत भरिए, फ्री में आ जाइए, आपको डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, और उसके इवेल्यूएशन जो है वो एक्सपर्ट के द्वारा जो है वो किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, फ्री बोल रहा हूँ मतलब बिल्कुल फ्री है। और जो भी जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर जो है जुड़ सकते हैं, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप से जुड़ने का लिंक भी दे दे रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना।